अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. हाँ जी, तो व्लॉग जो है वो आज आ रहा है आफ्टर टू डेज़. और जी हाँ, बस वो तलाल की तबीयत ठीक नहीं थी एंड नेक्स्ट डे आई नीडेड अ ब्रेक, सो मैंने वीडियो बनाई ही नहीं. तो बनाई थी बट उसको एडिट भी नहीं किया एंड आई वॉज लाइक चलेंगे यू नो. तो अब मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ आज वीडियो शेयर करूँ बिकॉज इट्स मंडे. एंड वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने छोड़ी थी. सो मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही थी. मुझे इतने मैसेजेस आए, आपने वो रेसिपी भी नहीं शेयर की, आप कहाँ चली गई? मैं कहीं नहीं गई, मैं यहीं पर हूँ. तो ये है कि मैं आप लोगों के साथ पहले रेसिपी बताती हूँ, फिर हम बातें करते हैं. सो सबसे पहले जो है ना, मैंने चीज़ लिया, कद्दूकश किया था आप लोगों के सामने और मैंने डो बना ली थी. अब इस चीज़ के अंदर मैंने क्या क्या डाला है, मैंने ऑलिव्स डाले छोटे छोटे पीस करके. आधी चीज़ मैंने फ्रीज़ कर ली है और फ्रीज़ नहीं की, फ्रिज में रखी है. और आधी चीज़ के अंदर मैंने ऑलिव्स डाले हैं, हेलपिनोज डाले हैं बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके. और साथ में जो है ना, मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर. इसमें आप बेल पेपर डाल सकते हैं, वो मेरे पास था नहीं. और मैं अगर रेड चिलीज़ डालती तो वो इतना कलर नहीं देता, तो मुझे था कि चलो टमाटरों के बीज निकाल दिए और उसका जो मोटा वाला हिस्सा होता है ना वो डाल दिए छोटे छोटे पीस करके. और कुटी हुई लाल मिर्ची और ओरिगानो और नमक डाल के मैंने इसको मिक्स करके एक मिक्सचर बना के रख लिया. अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी मैं आपको बताती हूँ. जो मैंने डो बनाई थी, आप लोगों ने मेरी अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो मैं नीचे उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा कि वो जो है वो डो मैंने कैसे बनाई थी और उसकी रेसिपी शेयर की हुई है. पुरानी मीन्स उसकी रेसिपी भी वहीं पर शेयर की हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मैं दोबारा डो की रेसिपी डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा. इट्स फुल प्रूफ डो रेसिपी, इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत मज़े की रेसिपी बनती. खैर एनीवेज, रेसिपी मैंने रख दी थी मीन्स पेड़ा बना के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये एक्स्ट्रा रेज ना हो. जब ये होता है ना कि जब फर्मेंटेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाती है और डो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है तो एक तो टेस्ट भी अच्छा नहीं देती, दूसरा ये कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो एयर बबल्स आ जाते. तो उसको ऐसे उसका प्रोसीजर स्लो करने के लिए ना आप डो को फ्रिज में रख दें. और इस कंडीशन में आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं. आप चाहें तो जो भी आपको इसको शेप देनी है वो शेप दे के आप इसको फ्रीज कर दें और जब भी आपका दिल चाहे आप निकाल के उसको बेक कर. तो अब मैंने क्या किया कि मैंने अब इसकी एक नीचे लेयर लगा दी और मैंने इसको अच्छी तरह से, जैसे ये मेरा प्याला है या आप कह सकते हैं चकोर है, इसकी हिसाब से कर दिया. इट इज़ नॉट पिज़्ज़ा, इट इज़ नॉट पिज़्ज़ा, इट इज़ समथिंग एल्स. दिस इज़ कॉल्ड फोकाशा ब्रेड, ठीक है? लेकिन मैं आप लोगों को अब इतनी डिटेल्स में नहीं जा रही उसमें जो है वो, क्योंकि वो पाकिस्तानी टेस्ट के अकॉर्डिंगली होता नहीं, हमारे घर वाले खाते नहीं. सो इट इज़ समथिंग जो कि मैंने अपनी इनोवेशन की है, ठीक है? उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है, मैंने खुद डाली हैं. अब ये है मेरे पास क्रीम चीज़ पड़ी, ये मेरे पास पड़ी, मैं कोयटा से लेकर आई थी और मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था. तो अगर आपके पास क्रीम चीज़ है तो उसके छोटे छोटे से टुकड़े काट के आप डाल सकते. एक तो इसको टेस्ट बहुत अच्छा देगा, दूसरा इसकी लुक बड़ी प्यारी कर देगा. उसके छोटे 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 पीस कर डाल दिए और उसके ऊपर मैंने ये सारा जो मिक्सचर बनाया था वो अच्छी तरह से मैंने डाल दिया. और इसके बाद मैं दोबारा थोड़ा सा जो चीज़ बचा था वो ऊपर डाल दूंगी एंड आई विल बेक इट ऑन 180 डिग्री. और तकरीबन मैं इसको बेक करूँगी 30 से 35 मिनट, डिपेंड करता है ना आपकी ब्रेड जब तक बन जाती है. हाँ जी, तो इस स्टेज पे आपने जब इसको बेक कर लिया उसके बाद इसको थोड़ा देर छोड़ दिया करें. मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने जब ब्राउनी बनाई थी उसको क्यों इतनी देर छोड़ा था. ब्राउनी जो है ना, जब आप काटते हैं ना जब गरम गरम, तो उसके ना सारे किनारे बिल्कुल ऐसे टाइडी नहीं करते. अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ना तब उसको काटेंगे तो बहुत अच्छे स्लाइसिस कटेंगे. सेम इज़ द केस विद, ये देख सकते हैं आपको मैं प्रॉपर लुक दिखाऊंगी. सेम इज़ द केस विद द ब्रेड, जब आप ब्रेड बनाते हैं ना तब उसको भी बड़े थोड़ा टाइम देने के बाद काटते हैं. इवन आप केक बनाते हैं ना उसको भी थोड़ा टाइम देने के बाद काटते हैं तो उसके क्रम्स बहुत ज़्यादा नहीं निकलते, ठीक है ना? आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी क्योंकि ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं अबाउट बेकिंग. तो ये हमारा बेक हो चुका है एंड इट वॉज सो यम. स्पेशली अगर आपके घर में टी पार्टी है ना तो ये एक बिल्कुल नई डिश है फॉर देम, जो आपके गेस्ट्स हैं उनके लिए, उनको ज़रूर बना के दें. इट इज़ वेरी यम एंड वेरी रिच रेसिपी. आप बनाएं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, मेरे बच्चों ने सीरियसली ये शाम को भी खाया, सुबह मेरे हस्बैंड ने खाया नाश्ते में. और ये बड़े आराम से एक दो दिन जो है ना वो चल जाती है क्योंकि हैवी होती है ना, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द गुड रेसिपी एंड बेस्ट रेसिपी. आप जब चाहें इसको बना के
मैं कहती हूँ इससे आसान रेसिपी हो ही नहीं सकती, बस आपके पास चीज़ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, चिकन वगैरह इस, क्योंकि ये है ही वो, ये ब्रेड है ना, ये वो पिज़्ज़ा नहीं है, तो इसमें जो ये वेरिएशन की है मैंने की है, वरना ये बहुत ज़्यादा ऑलिव ऑयल के अंदर इसको रखा जाता है इस डो को, फिर इसको जब बनाते हैं तो थोड़ी सी सख्त सी ब्रेड होती है और इसके ऊपर सिर्फ जो ऑलिव ऑयल होते हैं एंड रोजमेरी एंड ऑलिव्स रखे जाते हैं, ये बाकी चीज़ें मेरी अपनी खुद की क्रिएशन है, वो नहीं, अगर आप सर्च करेंगे तो ये इस लुक में नहीं आती, बट आई वॉन्टेड सम रिच फ्लेवर तो मैंने इस तरह बना दी, अपने तरीके से बना दी, माई ओन वर्जन। हाँ जी, तो ये जो है हमारी बन गई है, अब इसके बाद ये हुआ। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ ना थोड़ी बहुत विंटर क्लोथ्स जो है वो निकालने और समर के क्लोथ्स बंद करने के टिप्स शेयर करूंगी, कपड़े मैं किस तरह से बंद करती हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जराबे मैं लेकर आई थी, मैंने धो ली थी और जब सूख गई हैं तो मैं अब इसको बता देती हूँ। किसी ने मुझे कहा था बता दें रोल कैसे करते हैं, तो ये आपके सामने है, मैं इस तरह करती हूँ। एक दफ़ा मेरी वीडियो चला के आप लोग जराब रख के एक दूसरे के ऊपर इस तरह रोल करके तो आप इसको इस तरह बंद करेंगे तो आपकी जराबे जो है बहुत डिसेंट भी लगेंगी और एक साथ भी होंगी, वो घटान जो बांधी होती है ना, आई डोंट लाइक इट। सो खैर, अब मैं आपको बताती हूँ, जब सीज़न चेंज होता है, अभी आगे आप देखेंगे मैं अपने कपड़े बंद कर रही हूँ, सीज़न जब चेंज होता है ना तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि पहले तो आप अपने कपड़ों को डीक्लटर करना शुरू कर दें। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए आपके कपड़े बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा ये बिलीव है कि आप जब किसी को एक देते हैं, अल्लाह आपको दो देता है, और तो आप बांट दिया करें, आप दे दिया करें, आप हरस ना किया करें, आप उस चीज़ को अपने पास तक महदूद मत रखा करें। मैंने सीरियसली कुछ लोगों को देखा है जो कि सीरियस शादी के कपड़े भी ना, चलो शादी का जोड़ा तो ठीक है ना, बट लाइक चलो जहेज भी ठीक है का बर्तन चर्तन, बट वो शादी पे के जो कपड़े ना 16-16 साल उनके पड़े होते हैं, दे सके मैंने ना मेरी शादी का जोड़ा था ना, आई फील लाइक आप दे दो उस वक्त ही किसी को ना, आप खुद पहन के अच्छे लग रहे हो तो दूसरे की हेल्प हो जाती है। तो कपड़े और ऐसी चीज़ें मत रखा करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये किसी को दे देने में ज़्यादा आफियत होती है। हाँ जी, तो मैं आपको बताऊं कि आप सबसे पहले जो है ना, जैसे अभी मैंने अपने समर के कपड़े रखने थे ना, तो मैंने उनको डीक्लटर कर दिया, ठीक है, डीक्लटर किया, और डीक्लटर करने में मैंने सबसे पहले निकाले कि हाँ जी ये अब कौन से कपड़े हैं जो मैं नहीं पहनूंगी, या ऐसे कपड़े होते हैं ना जो आपने एक दो साल पहन लिए या तीन साल चलो पहन लिए और अब आपका दिल होता है कि नहीं बस और नहीं मैंने पहनने नेक्स्ट ईयर इनको, तो बेहतर है कि मैं इसको बांट दूँ और अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। तो मैं ये क्या करती हूँ कि मैं जो मेरे कपड़े होते हैं जब मुझे फील होता है कि अब मैंने नेक्स्ट ईयर मैंने नहीं पहनने, तो वो मैं पहले ही निकाल देती हूँ, ना कि उनको संभालूं अगले साल दूं, अभी ही डीक्लटर कर दिया, ना कि ज़्यादा डब्बे लगे मेरे, ना ज़्यादा चीज़ें लगें। अच्छा, मैंने ज़िपलॉक बैग्स लिए थे, ज़िप वाले बैग्स लिए थे, बट इतने अच्छी क्वालिटी के मुझे नहीं मिले थे, मैंने पिछली, अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने विंटर्स में ही मंगवाए थे, बट उसमें ना मुझे इतना वो नहीं लगा, वो ज़िप भी ख़राब और वो अच्छी क्वालिटी भी नहीं थी। तो अगर आप लोगों को कोई पता है साइट का कि जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के वो बैग्स मिलते तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं वो लेके तो मैं उसके अंदर डाल दूँ। खैर, मेरा कार्टन के साथ इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी पेटी पड़ी है, मैं उसके अंदर डाल के इसको बंद कर देती हूँ, ताकि अगले साल जब निकलते हैं ना तो आपको बड़ा बड़ा सुकून होता है कि आपके सारे कपड़े एक जगह जगह पड़े। दूसरे टिप ये है कि अब जैसे आपके घर में पांच बंदे हैं ना, अब मेरे कपड़े होते हैं तो मैं अपने कपड़े एक डब्बे में ही रखती हूँ, समटाइम्स दो डब्बे हो जाते हैं, विंटर्स में दो डब्बे होते हैं, समर में ये होता है कि अभी शायद मुझे एक छोटा डब्बा और करना पड़े। बेटी के कपड़े इसी तरह होते हैं, और जो तलाल के कपड़े ना, उसके कपड़े छोटे छोटे साइज़ के होते हैं तो वो इतना बड़ा डब्बा नहीं लगता। अगर हर एक के ना आपने मिक्स करके नहीं रखने, जैसे आप अपने कपड़ों में बेटे के रख रही हैं, छोटे बेबी के रख रही हैं, नहीं, उसके अलग रखें, बच्चों के अलग रखें, अपने अलग रखें, हस्बैंड के अलग रखें, उससे फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि जब आप खोलती हैं ना तो वो सिर्फ आपके कपड़े निकलेंगे, या आप खोलेंगी तो आपके हस्बैंड के निकलेंगे, और ऊपर कार्टन में जब आप लिख कर लेती हैं तो उसको बंद करके ऊपर लिख दें कि मेरे समर के कपड़े या सर्दियों के कपड़े या गर्मियों के कपड़े, उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको जब बाद में निकालने होते हैं ना तो परेशानी नहीं देखनी पड़ती कि मेरे पता नहीं कपड़े किन किन डब्बों के अंदर, वो एक ही डब्बे के अंदर पड़े होंगे। हाँ जी, अब मैं आपको बताऊँगी, अभी तक मैंने सारे कपड़े तो बंद नहीं किए, जो छोटी छोटी फनैल की गोलियां होती हैं, आई थिंक उसको यही बोलते हैं, मुझे नहीं पता और उसके क्या बोलते हैं, बस हम जब जाते हैं बोलते हैं तो वो ये दे देता है, वो सफ़ेद सफ़ेद जो गोलियां होती हैं ना, वो गोलियां आपने काम करना है कि वो गोलियां आपने पीस के उसको लंगरी, लंगरी नहीं मतलब उसको किसी थैले में डाल के ना ऊपर से लंगरी के डंडे से अच्छी तरह से पीस ले, ताकि वो लंगरी के साथ इंटरेक्ट ना करे, और वो ना आप पिसा हुआ इस पे डाल दें, तो उससे ये होता है कि वो जो एक एक गोली होती है ना वो दूर दूर होती है,
तो वो डाल दें, तो जो जो होते हैं ना छोटे छोटे कीड़े या कोई होता है घर में कॉकरोच वगैरह, वो फिर इनके अंदर नहीं जाते, ये बात याद रखें। मुझे था कि मैं अपने कपड़े पहनूं, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि प्लीज़ आप टिप्स बता दें कि आप किस तरह बंद करती हैं, तो मैं इस तरह से अपने कपड़ों को बंद करती हूँ, जो कि तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो खैर अब ये रात का टाइम है, मैंने कपड़े भी बंद कर दिए, जराबी शराबी बंद कर दी, खाना शाना हमने खा लिया, ये रात का टाइम है और रात को मेरा खाना खाने का दिल नहीं चाहता, तो मैं मोस्टली शामी कबाब इस तरह की चीज़ खा लेती हूँ। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।